हाय एवरीवन, माय सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं न्यू वीडियो के साथ। दिस वीडियो इज रिगार्डिंग MET मास्टर्स एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप पंजाब रेजिडेंट हैं और आप अपनी मास्टर्स करना चाहते हैं फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, दैट इज़ PAU, तो आपने जो एंट्रेंस टेस्ट देना है वो है PAU MET, राइट। अगर आप पंजाब रेजिडेंट हैं और आप PAU में जाना चाहते हैं अपनी मास्टर्स करने के लिए, तो आप PAU MET नाम का जो कोर्स है, जो एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें जाओगे। अब इसके अंडर, मतलब PAU MET की ना बहुत टाइप्स हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो है इसी चैनल पे कि कौन सा वाला MET आपने देना है कौन से वाले कोर्स के लिए। आप प्लीज़ उसे चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वो एलिजिबिलिटी के वाइज बताया हुआ है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल है। ये ना, तैयारी किसी और की करते रहो, एलिजिबल किसी और के लिए हो, डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एक ही साइड में जाओ और देखो किसके लिए एलिजिबल हो, कौन सा कोर्स है, किस में आप इंटरेस्टेड हो, उसी कोर्स की तैयारी अच्छे से करो। वो हम इस वीडियो में जानेंगे MET के बारे में। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो PAU MET के जी बहुत टाइप्स हैं, राइट। मैं फिलहाल यहाँ पर MET एग्रीकल्चर की बात कर रही हूँ, PAU MET एग्रीकल्चर। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन, दैट इज़ अपनी BSc एग्रीकल्चर में कर ली है ना, और किसी ऐसे कॉलेज से कर ली है जो कि ICR एक्रेडिटेड नहीं है, ICR की लिस्ट में वो हमारा जो कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी है, वो नहीं आती, तो भी आप ये PAU MET एग्रीकल्चर दे सकते हो और अपनी मास्टर्स किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो जो ICR एक्रेडिटेड है, इवन टॉप में है, राइट। तो आप क्या करो, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन किसी ऐसे कॉलेज से करी है जो ICR के एक्रेडिटेड नहीं है, तो अभी सुधर जाओ। एक बार गलती कर चुके हो अपनी ग्रेजुएशन करने में, है ना, ग्रेजुएशन के एडमिशन टाइम पे आप गलती जाने अनजाने में कर चुके हो, एडमिशन ले चुके हो, बट अब सुधर जाओ। सही मौका है आपके पास, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी जो मास्टर्स है वो ICR एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से कर लो। पंजाब में रहते हो, बेस्ट ऑप्शन है जी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं इसमें अलग अलग कोर्सेज की, तैयारी आपको अच्छे से करनी है। एंट्रेंस टेस्ट है MET एग्रीकल्चर, जिसमें आपको दो सेक्शंस होते हैं, Section 1 and Section 2। इसकी भी ना डिटेल्ड वीडियो है, आप सनी कोचिंग क्लासेस PAU MET लिखो या MET एग्रीकल्चर लिखो, आपको वीडियोस शो हो जाएंगे यहीं यूट्यूब पे, तो उसमें चेक करो, उसमें पूरा डिटेल्ड वीडियो, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताई हुई, आप चेक कर लो। मैं फिलहाल यहाँ पे आपको ब्रीफली बता देती हूँ, Section 1 and Section 2 दो चीज़ें होती हैं। Section 1 में आपको जनरल एग्रीकल्चर आता है, Section 2 में आपको आ जाएगा जिस भी कोर्स में आप जाना चाहते हो वो, मीन जैसे हॉर्टिकल्चर आ गया, या मतलब स्पेशलाइजेशन हो जाएगी ना। मास्टर्स कर रहे हो तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर थोड़े रहेगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगी ना। जैसे आप हॉर्टिकल्चर में जाना चाह रहे हो, या फिर आप एंटोमोलॉजी में है, एग्रोनॉमी में है, किसी भी में जाना चाहते हो, वो Section 2 में आएगा। Section 1 में जनरल एग्रीकल्चर है। जनरल एग्रीकल्चर के आपको 90 क्वेश्चन आते हैं, तो तैयारी जब करनी है जनरल एग्रीकल्चर को मेन लेके चलो। Section 2 जो है उसके आपको 40% वेटेज है, तो वो भी आपने साथ में करनी है। बट अगर दोनों को हम देखें तो जो मेजर वेटेज है वो है Section 1 जनरल एग्रीकल्चर के। MET एग्रीकल्चर देना है, ग्रेजुएशन BSc ऑनर्स कर चुके हो, और अपनी एलिजिबिलिटी एक बार चेक कर लेना जरूर। आपने MET एग्रीकल्चर के लिए, मैं मान रही हूँ कि आप एलिजिबल हो। दो सेक्शन में आपको पेपर आएगा, दोनों आपने अटैम्प्ट करने हैं, अच्छे मार्क्स लेने हैं, आपकी एडमिशन तभी होगी आपका। अब ये जो एंट्रेंस टेस्ट है इसकी तैयारी आपने अच्छे तरीके से करनी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। गलत नहीं करना, तुक्का नहीं मारना, चलेगा ही नहीं तुक्का, मार लोगे नेगेटिव मार्क्स चले जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तैयारी आप अच्छे से करो। जो MET एग्रीकल्चर है 2023 के, उसके फॉर्म्स अभी तक नहीं आए हैं, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो फिर आप उसकी तैयारी जो है वो करते रहो। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मार्च अप्रैल में कहीं इसके फॉर्म्स आ सकते हैं, और इसके जो एग्ज़ाम है वो आपका जून प्लस माइनस 1 मंथ लगा के चलो हो जाएगा। यू जून जुलाई में हो सकता है, जून में हो सकता है स्टार्टिंग एंडिंग, या जुलाई में, मतलब वही जून प्लस माइनस 1 मंथ लगा के चलो। तो मार्च अप्रैल में फॉर्म्स लगभग आएंगे और जून जुलाई में लगभग इसके एडमिशन्स होंगी, टोटली एक्सपेक्टेड है। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई नहीं आई है, हम प्रीवियस के अकॉर्डिंगली आपको एनालिसिस करके बता रहे हैं कि हाँ इतना हो सकता है। आप इसका माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी जो है वो करते रहो,
जून प्लस माइनस वन मंथ में पेपर हो जाएगा, मार्च अप्रैल के लगभग आपको इसके फॉर्म्स जो हैं PAU.edu जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। बाकी उसके तो कॉन्टैक्ट में रहोगे ही PAU.edu के। ये जो चैनल है YouTube पे सनी कोचिंग क्लासेस का, इसको सब्सक्राइब करके रखो। जब भी फॉर्म्स आएंगे हम आपको जरूर डिटेल देंगे, ये फॉर्म्स आ गए, ये लास्ट डेट है, ये फीस है, ये आपका डेट है एग्जामिनेशन की, एलिजिबिलिटी है, जो भी होएगा ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। इसकी तैयारी जो है वो आप अच्छे से करो। अच्छा, प्रेपरेशन करो कैसे, जो हमारा मेन टाइटल था इस वीडियो का। प्रेपरेशन के लिए पहले तो आप, जैसे मैंने बताया, सेक्शन वन चलो जनरल एग्रीकल्चर है वो तो सबने देना ही है, आप सेक्शन टू चूज़ कर लो। आपका इंटरेस्ट किस में है, किस में जाना चाहते हो, हॉर्टिकल्चर में जाना चाह रहे हो, एग्रोनॉमी में जाना चाह रहे हो, एंटमोलॉजी में जाना चाह रहे हो, या एक्सटेंशन एजुकेशन है जैसे उसमें जाना चाह रहे हो, या कौन सा अपना स्पेशलाइजेशन जो है उसको चूज़ कर लो। राइट, जनरल एग्रीकल्चर फिर उठाओ, उसकी मेजर वेटेज है, उसकी तैयारी शुरू करो। अगर आप कहोगे जी सिर्फ हम अपनी ग्रेजुएशन में जो हमने बुक्स पढ़ी हैं थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है वो करके हम क्लियर कर लेंगे, सो आई एम सॉरी टू से बट इतना आसान नहीं है। ठीक है, स्टेट लेवल का टेस्ट है, कॉम्पिटिशन रहता है, सीट्स लिमिटेड है, सीट्स चेक करो प्रॉस्पेक्टस में, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, हर कोर्स की लिमिटेड सीट्स हैं, मास्टर्स करनी है ना क्योंकि तो लिमिटेड सीट्स होती हैं। फिर इसके लिए आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। आप क्या करो, जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं उसको पहले तैयार करो, जो लेस इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उसकी तैयारी बाद में करो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा एनालिसिस कर सकते हो किस में से मेजॉरिटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस में से कम पूछे जा रहे हैं। अब वो एनालिसिस हमने ऑलरेडी किया हुआ है आपके लिए, जिसमें अगर आप हमें ज्वाइन करते हो तो हम आपको ऑनलाइन कोर्स के थ्रू करवाएंगे, जिसमें आपको पूरी चीज़ लाइव क्लास में कवर करवाई जाएगी, पूरा सिलेबस आपका लाइव क्लास में करवाया जाएगा, जिसमें आपको टीचर्स करवाएंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं वो साथ के साथ सॉल्व करवाए जाएंगे। हर चैप्टर की, हर यूनिट, हर टॉपिक ऑफ सिलेबस की जो भी है आपको मेंशन, हर एक चीज़ कवर करवाई जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आपने तैयारी कहाँ से करनी है। राइट, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट आपको समझाया जाएगा। अगर ये मतलब मेन चीज़ है कि अगर पहले आपको ट्वेल्थ में नहीं भी पता था, ट्वेल्थ तक ग्रेजुएशन के लिए, कि हाँ हमारे आसपास ये कॉलेज पढ़ रहा है, या नहीं किसी रीज़न की वजह से हम ग्रेजुएशन कर पाए अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो अब कर लो। बिकॉज जब मास्टर्स हो जाएगी ना तो कहने को तो यही आएगा कि हमने अपनी मास्टर्स जो है वो PAU से करी है या ICAR एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से करी है। काफ़ी अच्छे से आपको मास्टर्स यहाँ पे PAU में करवाई जाती है। इनफैक्ट मेरी खुद की मास्टर्स भी PAU से ही है, और मैंने भी जब ये MET दिया था, PAU MET, उसमें मेरा रैंक 1 था, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है इसमें। काफ़ी आपको मीन्स डीपली जो नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो आपको दी जाती है, हर एक चीज़ आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, आपको खुद परफॉर्म करना पड़ता है, फील्ड ट्रिप्स भी होते हैं, लैब में भी काम होता है, टोटली डिपेंड्स कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या है। राइट, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा मीन्स आपको जो डायरेक्शन है ना, अगर आप साइंटिस्ट वाली डायरेक्शन में, रिसर्चर वाले फील्ड में, प्रोफेसर वाले फील्ड में जाना चाहते हो, रिसर्च के रिलेटेड अपना काम करना चाहते हो, तो आपको पूरा एक डायरेक्शन पता चल जाती है। अगर हम अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं करते तो मुझे नहीं लगता जो मास्टर्स बच्चा एक सिंपल कॉलेज से कर रहा है उसको इतना कुछ पता होएगा जितना कि एक यूनिवर्सिटी से जो अच्छी, जैसे ये PAU यूनिवर्सिटी से जो बच्चा करके आया उसको पता होएगा। हर एक चीज़ उनको माइंडसेट हो जाता है कि अच्छा इसमें जाना ये है, इसमें जाना ये है, इसमें जाना ये, हर एक उनको अपने ऑप्शंस जो हैं पता चल जाते हैं। ठीक है, हाँ ये नहीं कि आप सिर्फ यही नॉलेज, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी पूरी दी जाती है। आप अपने जो साथ साथ में ग्रेजुएशन लेवल पे जो टेस्ट होते हैं ना, आप उनको भी दो, ADO के हैं जैसे, या और भी होते हैं, आप उनको भी दो, वो भी अप्लाई करो, उसमें भी अपना नॉलेज गेन करो। बट अगर आप अपनी मास्टर्स करना चाहते हो है ना, तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। प्रेपरेशन कैसे करो, यही कि यूनिट वाइज अपना डिवाइड कर लो, वेटेज वाइज, जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले करो, जो चीज़ लेस इंपॉर्टेंट है वो बाद में करो, थ्योरी अच्छी से पढ़ो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो करो। मीन्स कुछ टॉपिक ऐसे हैं बहुत लेंथी हैं, जो अगर आप ईच एंड एवरी पॉइंट करोगे तो आपको सारा टाइम ही उस टॉपिक में निकल जाएगा। उस टॉपिक के बिल्कुल ब्रीफ क्विकली कवर करो, जो चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं सिर्फ वही चीज़ करो, सारा ईच एंड एवरी पॉइंट ना करने बैठो, जो मेन है बस वो करो, है ना। वो आपको क्लासेस में बताया जाता है कि आप कैसे कर सकते हो, और ना कि आपको एग्ज़ाम तक बल्कि एडमिशन तक गाइड किया जाता है। बिकॉज आफ्टर एग्ज़ाम में बहुत से डाउट्स होते हैं, कैसे होएगी उसमें जो हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, काउंसलिंग है, वो कैसे है, कैसे फिल करनी है, कब जाना है, क्या होगा वहाँ पे, हर एक डाउट आपका क्लियर करवाया जाता है।
आपको जनरल एग्रीकल्चर की पूरी पैकेज जो है पूरी अच्छे से तैयारी करवाई जाती है, हर एक पार्ट आपका कवर करवाया जाता है, आपको पूरी गाइडेंस दी जाती है कि आप ऐसे तैयारी करो, ये करो, अब ये करना चाहिए, अब ये टॉपिक कर लो, क्लास में ये चल रहा है, आप इसकी प्रेपरेशन करो, साइड बाय साइड ये करो, मींस आप पूरा जो है वो फील करते हो कि हाँ हम अपने टीचर के साथ वाकई कॉन्टैक्ट में हैं। आपके पास अपने टीचर का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, आप जब मर्जी कॉल करके या मैसेज करके उनसे डाउट ले सकते हो। हर एक चीज़ आपको डीपली कवर करवाई जाती है और क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं। हमारा एक पोर्टल है SEC पोर्टल, जिसमें आपको सारे थ्योरी नोट्स एंड क्वेश्चन फाइल्स प्रोवाइडेड हैं। वीकली आपका टेस्ट भी लिया जाता है, जो भी आपको करवाया गया है उसका टेस्ट लिया जाएगा वीकेंड पे, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरे इतने मार्क्स हैं, इतनी इंप्रूवमेंट करने की और ज़रूरत है। सिलेबस एंड होने पर आपको मॉक टेस्ट सीरीज़, फुल सिलेबस के मिक्सड क्वेश्चन जो हैं वो करवाए जाते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि इतनी प्रेपरेशन हो गई है, इतनी और मुझे करने की ज़रूरत है, या ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो मेरे वीक हैं। पूरी गाइडेंस जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। हमारी काफ़ी सिलेक्शंस भी हैं MET में, इसी चैनल पे अगर आप थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगी। और भी काफ़ी वीडियोज़ ऑलरेडी इसी चैनल पे हैं, कैसी तैयारी करनी चाहिए, या फिर जो आपके पास ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या डिटेल में इंफॉर्मेशन किसी कोर्स की, वो सारी हैं, आप चेक कर लो एक बार। बाकी अभी फॉर्म्स नहीं आए, जैसे आएंगे हम एलिजिबिलिटी वगैरह जरूर करेंगे। बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है, आप डिस्प्ले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारा ऑनलाइन जो कोर्स है PIU MET एग्रीकल्चर का, उसे ज्वाइन करने के लिए। ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आप ज्वाइन करो, पार्टिसिपेंट बनो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो अपनी गेन करो और अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट करो, बिकॉज इसके बाद आपके पास काफ़ी ऑप्शंस जो हैं वो वाइडर हो जाती हैं। जब आप ICR एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से करते हो, अपनी नॉलेज करते हो, आप इसमें थीसिस राइटिंग करोगे, आपको थीसिस लिखना आएगा, आपके पास नॉलेज होएगी, टेक्निकल स्किल्स होंगे, रिसर्च पेपर्स आप लिखोगे इस यूनिवर्सिटी में, आपको पता चलेगा कि कैसे लिखना चाहिए, क्या वे है, कैसे जर्नल में आपने भेजना है, कौन सा अच्छा होता है, किसकी क्या रेटिंग है, कहाँ पर भेजना चाहिए, पूरी मीन्स सर्च के रिलेटेड आपको कुछ नहीं बताना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बस एक बार टेस्ट क्लियर करके इसमें एडमिशन ले लो, ठीक है। बाकी खुद वो आपको टाइम टू टाइम ट्रेन करते जाएंगे, आप देखते भी हो ना इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि ये वहाँ पे ऐसे है, वो ऐसे कर रहे हैं, अच्छा इसकी ये प्लेसमेंट है, इसका ये है, तो ऐसे ऐसे हम भी कर सकते हैं। मास्टर्स करना चाहते हो PAU से, MET में करना चाहते हो, MET एग्रीकल्चर देना चाह रहे हो, तो हमें ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको लाइव क्लासेस में करवाया जाएगा, ऑनलाइन कोर्स रहेगा। और भी डिटेल्स अगर जाना चाहते हो, इस डिस्प्ले नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लो। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है, ऑल द बेस्ट, गुड लक, सी यू इन द क्लास।